हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स के मैसेजेस लेकर। अभी इस वक्त आपके पर्सन के सबकॉन्शियस माइंड में क्या है, ये आज हम देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइस, देखते हैं क्या मैसेजेस निकल कर आते हैं आपके पर्सन की। करंट एनर्जीज किस एनर्जी में है आपके पर्सन और क्या मैसेज है जो वो आपको देना चाहती हैं या देना चाहते हैं, प्लीज गाइड करें एंजल्स। सबसे पहला जो मैसेज है आपके लिए वो ये है कि आपके पर्सन आज के दिन में किसी बात को लेकर बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है। इनकी एनर्जी में डिप्रेशन नजर आ रहा है, स्ट्रेस नजर आ रहा है। हो सकता है ये इमोशनली डिस्टर्ब है, हो सकता है ये मेंटली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है। आपको कुछ बताने की भी एनर्जी है, जैसे ये चाहते हैं कि आपको बता दें, बट हो सकता है बताया हो सकता है ना बताया हो। थर्ड पार्टी को लेकर यहाँ बहुत ज़्यादा परेशानी नज़र आ रही है। कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है इनके और इनके लाइफ में, जो भी कंट्रोलिंग एनर्जीज हैं उनके बीच में। साथ ही साथ एम्प्रेस रिप्रेजेंट बिजनेस ऑल्सो, अगर इनका बिजनेस है या इनके लाइफ में कोई बॉसी इमेज है उनकी वजह से भी हो सकता है इनका मूड डिस्टर्ब हो। पैसों को लेकर, अपने करियर को लेकर भी बहुत ज़्यादा इनकी लाइफ में प्लानिंग चल रही हैं। जो भी ये अपने लाइफ में अचीव करना चाहती हैं या अचीव करना चाहते हैं उसके लिए भी ये बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उस हिसाब से, उसके अकॉर्डिंग इनको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं जो कि ये आपसे डिस्कस कर सकते हैं। द चैरिट की एनर्जी है। आप में से कुछ लोगों के पर्सन का ये भी मन है कि ये बहुत जल्द कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में कोई महंगा गैजेट या कोई महंगा व्हीकल भी लाना चाहते हैं। इनकी बड़ी तीव्र इच्छा है। हो सकता है इस बारे में भी आपके पर्सन आपसे डिस्कस करें, आपको मैसेज कर सकते हैं कि मैंने कोई कार ली है या मैंने कोई बाइक बुक की है, या हो सकता है कि ये आपको उसके साथ फ़ोटो भेजें, या ये भी हो सकता है कुछ लोगों के साथ कि आपके पर्सन ये बोलें कि मुझे ये लेना है, मेरी ऐसी इच्छा है। इस तरह के मैसेजेस भी यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं। हो सकता है ये चीज़ें उन्होंने आपसे डिस्कस ना की हों। आने वाले समय में इस तरह के मैसेजेस आपको आपके पर्सन की तरफ से रिसीव हो सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर एक और मैसेज है, आपके पर्सन और आपके बीच में अगर कोई भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो आपके पर्सन उनसे रिलेटेड कोई रिसेंटली कोई डिसीजन लिए हैं जो ये आपको बताना चाहती हैं या बताना चाहते हैं। डेथ का कार्ड आ गया, मतलब ये थर्ड पार्टी को ख़त्म करने से रिलेटेड कोई डिसीजन इन्होंने ले लिया है। ऑब्वियसली आपको नहीं बताया है, इन्होंने अपने लाइफ में कुछ बड़े डिसीजंस लिए हैं। समथिंग इज़ गोइंग टू चेंज इन हिज और हर लाइफ। जिस डिसीजन की वजह से इनके लाइफ में कुछ बड़े चेंजेस आपको नज़र आएंगे। इनकी विश थी, जो कुछ भी हो रहा है या होगा आने वाले समय में वो इनकी इच्छा से होगा, इनकी विश के अकॉर्डिंग होगा। आप में से कुछ लोगों के पर्सन आपको ये भी बताना चाहते हैं कि ये कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं या देने की प्रिपरेशन कर रहे हैं जो कि पुलिस से रिलेटेड है या किसी वर्दी वाली जॉब है, जैसे आर्मी ऑफिसर हो गए, पुलिस ऑफिसर हो गए, नेवी में हो गए, ठीक है, किसी भी तरह की, मतलब कोई ऐसी, या फिर लॉ फील्ड से रिलेटेड हो गए, जज से रिलेटेड हो गए, जहाँ पर भी यूनिफॉर्म होती है। इनकी इच्छा है, ये आपसे ये चीज़ें बताना चाहती हैं या बताना चाहते हैं। और क्या इच्छा इनकी, क्या इस रिश्ते को लेकर कोई मैसेज, इस रिश्ते को लेकर जो मैसेज आया है वो ये है कि इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है। इनको ऐसा लगता है कि ये जितना आपसे प्यार करते हैं उतना ही ज़्यादा या तो ये आप पर गुस्सा कर देते हैं या आप इन पर गुस्सा कर देते हो। इनको ये चीज़ें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देती हैं। हो सकता है आप दोनों के रिश्ते में झगड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हो। क्या प्यार भी है या सिर्फ झगड़ा ही होता है? क्या कोई मैसेज है प्यार से रिलेटेड? किंग ऑफ वांड्स रोमांटिक एनर्जी है, एट ऑफ वांड्स बात की एनर्जी है। जब भी आपसे बात होती है शुरू में तो आप बहुत प्रोटेक्टिव होते हो और ये भी आपको लेकर बहुत प्रोटेक्टिव होते हैं, बहुत सारी रोमांटिक बातें होती हैं, पैशनेट है बहुत ज़्यादा आपको लेकर। वी हैव किंग ऑफ वांड्स जो कि फायर एनर्जी के किंग है, तो एक तरह से ये रोमांस के मामले में ये बहुत आगे हैं। लेकिन जहाँ तक बात है रिश्ते की, तो इनको ऐसा कंप्लेन है आपसे कि इस रिश्ते में झगड़े बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आपसे अगर एक बात ये कुछ कहते हैं, इनको ऐसा लगता है कि शायद आप इन पे ट्रस्ट करोगे, शायद इनको आपसे डिस्कस करनी चाहिए,
पर आपको कुछ कुछ बातें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे देती हैं और आप इनको उस बातों को लेकर बहुत ज़्यादा झगड़ा करने लगते हो, आर्ग्यूमेंट करने लगते हो, जिसकी वजह से अब ये आपसे कुछ चीज़ें छुपाने की एनर्जी में है। मतलब सारी सच्चाई आपको नहीं बता पाते हैं, कुछ सच्चाई डर के मारे छुपा ले जाते हैं। तो ये मैसेजेस है, बहुत जल्द यहाँ पर आप में से कुछ लोगों को मैसेजेस आ सकते हैं बिकॉज वी हैव गॉट एट ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी। तो वो मैसेजेस इस रीडिंग को देखने के बाद मोस्ट प्रॉब्ली 5 आवर्स या 23 आवर्स के अंदर काफ़ी लोगों को रिसीव हो सकते हैं। वीडियो से रिलेटेड अगर आपकी एनर्जी है या आपके पर्सन की एनर्जी है आने वाले समय में तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।